पीडीएफ में नोट्स चाहिए हो या पीपीटी फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको दिए जा सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है या फिर ईमेल पे डायरेक्ट मेल करके कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पाइको रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, माइक्रो और नैनो का रिलेशन क्या है, नैनो और पाइको का रिलेशन क्या है, माइक्रो और पाइको का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो और नैनो का रिलेशन क्या है। माइक्रो का हमें पता है कि 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10^-6, और नैनो जो है वो होता है इक्वल टू 10^-9। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, 1 माइक्रो इक्वल टू 10^-6 एंड 1 नैनो इक्वल टू 10^-9। सो इसी तरह हम लिख सकते हैं 1 नैनो इक्वल टू 10^-9। अच्छा जी, 10^-9 को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 10^-3 मल्टीप्लाई बाई 10^-6। आप सामने अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरह लिख लिया है। अब हमें पता है 10^-6 तो होता है माइक्रो के इक्वल, तो हम 10^-6 को रिप्लेस कर देंगे माइक्रो से, तो 1 नैनो किसके इक्वल हो जाता है 10^-3 माइक्रो के। अगर इसे दूसरे फॉर्म में देखा जाए तो ये बन जाता है 0.001 माइक्रो के इक्वल होता है 1 नैनो। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पाइको। माइक्रो इक्वल टू 10^-6, जैसे कि हमने पिछले में भी डिस्कस किया, पार्ट ए में भी डिस्कस किया हुआ है, और पाइको जो होता है वो 10^-12 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पाइको इक्वल टू 10^-12 आ जाएगा। 10^-12 को हम ओपन करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 10^-6 मल्टीप्लाई बाय 10^-6। ठीक है, तो अब 10^-6 हमें पता है माइक्रो के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 पाइको इक्वल टू आ जाएगा 10^-6 माइक्रो के। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पाइक्रो। अब हमने नैनो और पाइको का रिलेशन देखना है। नैनो की वैल्यू 1 नैनो इक्वल टू 10^-9 एंड 1 पाइको इक्वल टू 10^-12। ठीक है, तो 1 पाइको इक्वल टू 10^-12 लिख लिया है, हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं 10^-3 मल्टीप्लाई बाय 10^-9। 10^-9 इक्वल टू नैनो के होता है, तो 1 पाइको आ जाएगा इक्वल टू 10^-3 नैनो के। और इस तरह हमने तीनों के आपस में रिलेशन को डिस्कस कर लिया है, और यही इनके आंसर्स हैं।